हेलो दोस्तों, दोस्तों वाइन मेकिंग के इस चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जी देखिए, मैंने तरबूज से वाइन बनने के लिए रखा था, तो दोस्तों इसको पड़े हुए 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं, इसका फर्मेंटेशन डन हो चुका है। तो दोस्तों अभी इसको मैं फ़िल्टर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें मैंने कोई भी एक्स्ट्रा कलर नहीं डाला था, ये देखिए ये बिल्कुल वाटरमेलन का नेचुरल कलर ही आया है। इसमें बढ़िया कलर लेने के लिए आप इसमें थोड़ा चुकंदर डाल सकते हो, उससे इसका कलर बढ़िया हो जाता है। पिछले साल में मैंने बनाया था तो मैंने इसमें चुकंदर डाला था, तो इसका कलर बढ़िया बन गया था। तो दोस्तों अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ताकि आपको रेसिपी अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए दोस्तों अभी इसको फिल्टर कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको फिल्टर करने के लिए जी देखिए, मैं मसलन बैग का ही उपयोग करने जा रहा हूँ, तो आप चाहो तो फिल्टर पाइप का उपयोग भी कर सकते हो। तो दोस्तों तरबूज की वाइन को हमने फिल्टर कर लिए हैं। अभी दोस्तों हम डीकेंट के लिए ऐसे ही इसको छोड़ देंगे 4-5 दिन के लिए। तो दोस्तों 4-5 दिन बाद इसका यीस्ट नीचे बैठ जाएगा, फिर हम वाइन को ऊपर से उठा लेंगे। तो दोस्तों आप डीकेंट प्रोसेस करने के लिए इसमें बिंटोनाइट पाउडर भी डाल सकते हो, उससे जो बहुत बढ़िया साफ क्लियर हो जाता है। लेकिन दोस्तों मेरे पास अभी बिंटोनाइट अवेलेबल नहीं है, मैंने मंगवाया है, मुझे कुछ दिन तक मिल जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों इसको मैं सिंपल ही डीकेंट करने जा रहा हूँ, तो ये ऐसे ही साफ हो जाएगा 4-5 दिन तक। तो चलिए दोस्तों अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, 4-5 दिन बाद आपको दिखाएंगे कि हमारा वाइन कैसा साफ हुआ है। तो दोस्तों हमारी वाइन को पड़े हुए 4 दिन हो चुके हैं, ये देखिए इसका यीस्ट वगैरह सभी नीचे बैठ चुका है। अभी हम इसको ऊपर से उठा लेंगे और हम इसको बॉटलिंग कर लेंगे। तो जो देखिए दोस्तों इसका कलर भी ऐसा हो चुका है। अगर दोस्तों आप इसमें कलर बनाना चाहते हैं तो आप चुकंदर डाल लीजिएगा, या फिर चाय पत्ती का पानी उबाल कर डाल लीजिएगा, तो उससे इसका कलर बढ़िया बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको अभी बोटलिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको डालने के लिए मेरे पास बोतल्स कम थी, इसलिए ये देखिए मैं बियर की कुछ बोतलें उपयोग करने जा रहा हूँ। आप चाहो तो इनको इस बोतल में भी डाल सकते हो। अगर आपने इसको लंबा समय के लिए स्टोर करना है तो आप कांच की बोतल का ही उपयोग कीजिएगा। तो दोस्तों मैं बियर की बोतल के ऊपर ये देखिए कैप लगाने जा रहा हूँ, उसके लिए ये देखिए ये मशीन है, तो इससे आसानी से ये कैप लग जाते हैं। तो अगर आपने ये मशीन ख़रीदना हो तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक पर जाकर इसको बाय कर सकते हो। तो दोस्तों अभी इसका मैं टेस्ट करके देखता हूँ कि हमारी वाइन का टेस्ट कैसा आया है। यह देखिए दोस्तों, उसमें मैंने बिंटोनाइट पाउडर नहीं डाला था, फिर भी ये देखिए काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है। अगर आपने पूरी तरह साफ़ करना हो तो दोस्तों आप बिंटोनाइट का उपयोग कर सकते हो। बाकी इसमें कलर ये देखिए कलर ऐसा आया है, कलर लेने के लिए आप इसमें बीटरूट डाल लीजिएगा। तो मैंने कोई भी इसमें ये देखिए एक्स्ट्रा कलर नहीं डाला था, तो इसका कलर ये देखिए ऐसा ही आता है। तो टमाटर की वाइन का कलर भी ऐसा आया था, इसका भी ऐसा ही आया है। तो चलिए दोस्तों अभी इसको पी कर देखता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। दोस्तों बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आया है, पूरा वाटरमेलन का इसमें फ्लेवर आ रहा है। इसमें मैंने 12% अल्कोहल बनाया था। दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा बना है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया बना है ये वाइन। तो दोस्तों ये मैंने 4% अल्कोहल वाला भी बनाया था जिसमें मैंने बिल्कुल शुगर नहीं डाला था, तो इसमें मैंने दोस्तों 12% अल्कोहल बनाया था यानी कि एक्स्ट्रा शुगर डाला था। तो आप दोस्तों बिना शुगर के भी बना सकते हो या फिर आप शुगर डाल के हाई अल्कोहल भी बना सकते हो। आप दोस्तों इसमें 3% से लेकर 17% तक अल्कोहल बना सकते हो। दोस्तों ज़्यादा हाई अल्कोहल बनाने के लिए आप रेड स्टार का स्पेशल बनाने वाला ईस्ट ही उपयोग कीजिएगा, आम ईस्ट से ज़्यादा हाई अल्कोहल नहीं बन पाता है। दोस्तों आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।